हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यू वाचिंग एटीवी। आज की इस वीडियो में हम टर्मेरिक पाउडर को जानेंगे। ये एक इंडिकेटर है। मेरे बाकी के इंडिकेटर्स के वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक को क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि टर्मेरिक पाउडर किस तरीके से अपना कलर चेंज करके हमें बताता है कौन सा अभिकारक एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। सबसे पहले इसे जानने के लिए हम टर्मेरिक पाउडर, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में देखा है, जो कि आपको अपने घर के किचन में आसानी से मिल जाएगा, ये आपको येलो कलर का दिखता होगा, इसे हम थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे अच्छे से, जरूरत के अनुसार जितना आप पानी ले रहे हैं थोड़ा और। थोड़ा और डाल लेते हैं, इतना काफ़ी होगा। बस हमने इसे अच्छे से घोल लिया। अब हम तीनों बीकर में इसे बराबर बराबर ढाल लेंगे। बराबर बराबर हमने तीनों बीकर में डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों बीकर में बारी बारी कर एक अभिकारक को रखेंगे। आखिर वाले में डिटर्जेंट पाउडर जो कि बेस नेचर का होता है, लास्ट सेकेंड में लेमन जूस जिसमें साइट्रिक एसिड जो कि एसिड नेचर का होता है, और पहले वाले में कोई सा भी अभिकारक नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ पानी है, साधारण पानी जो कि न्यूट्रल होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है। लेमन जूस से शुरू करते हैं। दूसरे वाले बीकर में हम लेमन जूस डालते हैं। कुछ बूंद हम लेमन जूस का डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं मैंने काफी इसमें लेमन का जूस डाल दिया है, ये अपना रंग नहीं बदला। आपने देखा लेमन का जूस डालने से ये अपना रंग नहीं बदला है। इसे थोड़ा मिला कर भी देखते हैं पर ये अपना रंग नहीं बदला। अब हम इसमें डिटर्जेंट डालेंगे आखिर वाले बीकर में जो कि बेस नेचर का होता है। थोड़ा सा ही डालते ही ये अपना रंग बदल लिया, थोड़ा सा और ना काफ़ी रहेगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेड, रेडिश रेड कलर का हो गया है, ये ब्राउन तक होता जा रहा है। मतलब जितना ज़्यादा आप डिटर्जेंट डालते जाएंगे इसका रेडिश बढ़ता जाएगा। आपको साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा ये किस तरीके से एक एक अभिकारक में अपना रंग बदल कर हमें बताया कि कौन सा अभिकारक क्या है। ये पीला रह गया, ये भी पीला रह गया, और ये जो रेडिश रेड कलर का हो गया है ये आपका बेस्ट नेचर का डिटर्जेंट है। तो इसे हम हमेशा याद रखने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए इस तरीके से आपको बता सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है, सिंपल वाटर, इसका कलर येलो रह गया। उसके बाद लेमन जूस जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, इसका कलर भी येलो रह गया। पर जब टर्मेरिक पाउडर में डिटर्जेंट मिलता है, डिटर्जेंट वाटर में हम टर्मेरिक पाउडर को डालते हैं, और डिटर्जेंट बेस नेचर का होता है, एल्कली नेचर का होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, इसका कलर रेड कलर का हो जाता है। आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि टर्मेरिक पाउडर किस तरीके से अपना कलर चेंज करके हमें बताता है कि कौन सा अभिकारक का नेचर एसिड है, कौन सा अभिकारक का नेचर बेस है या फिर न्यूट्रल है। ये हमें आसानी से बता देता है रंग बदल करके। डिटर्जेंट में ये अपना रंग बदलता है, बाकी में ये येलो ही रह जाता है। डिटर्जेंट में ये, मतलब बेस में, एल्कली में ये रेडिश रेड कलर का हो जाता है।
इस वीडियो में दिखाया हुआ कोई सा भी प्रयोग आप अपने घर में नहीं कीजिएगा। ये वीडियो बस नॉलेज के लिए है। इस वीडियो से आप देखकर समझ सकते हैं कि टर्मरिक पाउडर किस तरीके से हमें इंडिकेटर का मतलब इंडिकेटर का तरह काम करता है और हमें बताता है कि कौन सा भी कारक एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।